अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको NLC के अंदर जो जॉब्स हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके अंदर मैं आपको डिटेल बताऊँगा कि इसके ऊपर आपने कैसे अप्लाई करना है और किस किस कैटेगरी के अंदर जो वैकेंसीज हैं, ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप जो है मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएँ ताकि जॉब्स के रिलेटेड और टेक के रिलेटेड जो नई अपडेट जो मैं अपलोड करता रहता हूँ वो आपको मिलती रहे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके जो वॉक इंटरव्यू और टेस्ट हैं वो कब होंगे और कैसे होंगे। ये नेशनल लार्जेस्ट सेल है NLC, ये जो है टूल प्लाजा के अंदर जो है वो जॉब्स हैं। इसके अंदर नाम असामी जो है वो पहली जो है वो टूल प्लाजा मैनेजर की है। इसके अंदर जो है पाकिस्तान आर्मी से रिटायर सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट ऑनरी कैप्टन हो तो उसकी जो तनख्वाह होगी वो होगी 50,000 रुपये। असिस्टेंट टूल प्लाजा मैनेजर की है, वो पाकिस्तान आर्मी से रिटायर सूबेदार हो और उसकी तनख्वाह जो है वो 34,310 रुपये होगी। शिफ्ट इंचार्ज की होगी पाकिस्तान आर्मी से रिटायर नायब सूबेदार हवालदार या सिविलियन। एजुकेशन आपकी जो है वो ग्रेजुएट होनी चाहिए तो आप इसके ऊपर जो अप्लाई कर सकते हैं। तनख्वाह इसकी जो है 29,131 रुपये है। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है, उसके नीचे पाकिस्तान आर्मी से रिटायर सिपाही या अलायंस हवालदार जिनकी रिटायरमेंट की मुद्दत 2018 के बाद की हो और जो जिस्मानी तौर पर सेहतमंद हो, या सिविलियन भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, वो मैट्रिक पास हो और उनके पास सिक्योरिटी गार्ड का 8 से 5 साल का तजर्बा मौजूद हो तो वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो तनख्वाह होगी वो 23,952 रुपये होगी। उसके नीचे CCTV कैमरा मॉनिटर्स सिविलियन FSC आपकी होनी चाहिए। CCTV कैमरे के ऊपर जो है वो आपने काम किया हो, आपको पता होगा उसको कैसे काम करना है, उसको कैसे चलाना है। इसकी जो तनख्वाह होगी वो 21,000 रुपये होगी। उसके नीचे बावर्ची की है पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड सोल्जर या सिविलियन, तनख्वाह जो है वो 21,000 होगी। उसके नीचे स्वीपर है, मिडल प्राइमरी पास हो और ट्रेड काम से वक्फियत महारत रखता हो, तनख्वाह इसकी भी 21,000 रुपये है। अच्छा, तो आपने इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कैसे करना है। रिटायर्ड JOCs NOCs और सोल्जर अपनी डिस्चार्ज बुक की फ़ोटोकॉपी ज़रूर साथ लाएं और जो सिविलियन जो लोग हैं वो अपने तालीमी इसनाद की फ़ोटोकॉपियां जो हैं वो एक एक अपने साथ लेकर जाएं। इसका टेस्ट का इंटरव्यू का TDI नहीं दिया जाएगा। आपने इसके ऊपर जो है अप्लाई कैसे करना है। NLC के तमाम मुलाजमीन को मुफ्त सिंगल रिहाइश और खाना मुहैया किया जाएगा इसके अंदर, ये बहुत बड़ी जो है वो बात है। अच्छा, इसके ऊपर जो है अप्लाई कैसे करना है, इसका टेस्ट इंटरव्यू का कैसे होगा, वो ये है कि टेस्ट और इंटरव्यू जो है वो 12 जुलाई 2021 सुबह 10 बजे था दोपहर 2 बजे तक तक HR ब्रांच हेडक्वार्टर टालिंग NLC स्वां कैंप रावलपिंडी में मुनक़द होंगे। रजिस्ट्रेशन जो आपकी होगी वो सुबह 9 बजे से 11 बजे तक होगी। तो आपने 12 से लेकर 15 जुलाई तक आपने ये जो मैंने अभी एड्रेस आपको बताया है रावलपिंडी के अंदर, आपने इस एड्रेस के ऊपर चले जाना है और आप इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।